मैन्योरिंग रोजेज आर फीडेड बाई बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेस। ये ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक जो हमारे मैन्योर हैं, खाद हैं, अथवा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इस तरह दोनों तरह से फीड किए जाते हैं। दोनों तरह से इनको न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, पोषक तत्व। रिजल्ट्स एट PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो परिणाम प्राप्त हुए उसके अनुसार 60 ग्राम नाइट्रोजन, 20 ग्राम P2O5 फास्फोरस तथा पोटेशियम K2O पर स्क्वायर मीटर कंटेनिंग 9 प्लांट्स इज सफिशियंट। मिक्सचर शुड अप्लाइड एट 2 स्प्लिट डोजेज। जो मिक्सचर है इसका 60 ग्राम नाइट्रोजन, 20 ग्राम P2O5 तथा पोटेशियम का, इसको 2 खुराक में देना चाहिए। आधी नाइट्रोजन, फुल फास्फोरस तथा पोटेशियम एट द टाइम ऑफ प्रूनिंग, जब हम पौधे की छटाई करते हैं, तथा रिमेनिंग हाफ और बची हुई आधी शेष मात्रा खाद की, फर्टिलाइजर की, 1 माह बाद आफ्टर फर्स्ट एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन के 1 माह बाद पुनः अप्लाई देना चाहिए फॉर बेटर इफेक्ट। पौधे की अच्छे प्रभाव के लिए फोलियर फीडिंग हैज बीन फाउंड वेरी यूजफुल। अच्छे प्रभाव के लिए जो तरल खादें हैं उनको, तरल खाद है उसको दिया जा सकता है। तरल फोलियर स्प्रे ऑफ फर्टिलाइजर्स इज वेरी यूजफुल फॉर गेटिंग ग्रो बेटर ग्रोथ एंड फ्लावरिंग। इन दिस वी मिक्स 2 parts ऑफ यूरिया, 1 part DAP, 1 part पोटेशियम नाइट्रेट्स एंड 1 part ऑफ पोटेशियम फॉस्फेट इन 10 liters ऑफ वाटर, एंड स्प्रे शुड बी डन एट वीकली और फोर्टनाइटली इंटरवल। इट इम्प्रूव द ग्रोथ एंड फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट्स। अगर इस मिक्सर को बना करके 10 liters वाटर में सप्ताह में तथा 15 दिन के अंतर से इसका यूज किया जाता है पौधे में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट, इससे पौधे की अच्छी वृद्धि होती है तथा अच्छे पुष्प में प्राप्त होती है। इरीगेशन इज डिपेंड अपॉन द सीजन ऑफ द वेदर, सीजन एंड वेदर ऑफ। इट इज डन इन विंटर इन 7 to 10 days इंटरवल, बिकॉज इन विंटर देयर इज लो टेम्परेचर, सो दैट्स वाई इट इज लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग इंटरवल्स इज सफिशियंट फॉर डूइंग इरीगेशन एट द इंटरवल्स ऑफ 7 to 10 days। वेदर इन समर देयर इज हाई टेम्परेचर, सो क्विक इरीगेशन शुड बी डन एट द इंटरवल ऑफ 5 to 6 days, 5 से 6 दिन के अंतराल पर गर्मी में इरीगेशन करनी चाहिए। प्रूनिंग, छटाई कब करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टेक्निकल आस्पेक्ट ऑफ रोज ग्रोइंग। यह जो है गुलाब उगाने का सबसे तकनीक की कार है कि प्रूनिंग कब किया जाए। क्यों? बिकॉज प्रूनिंग से पौधा स्वस्थ रहता है और सुंदर रहता है, इसलिए प्रूनिंग जरूर जाओ। और पौधे को रेस्ट भी जरूरी है, क्योंकि पौधा जैसे हम लोग कार्य करते करते थक जाते हैं, इसलिए जब पौधे में फ्लावरिंग होती है निश्चित रूप से उसकी एग्जॉस्टन होता है, वो थकता है, और हमें उसे रेस्ट लेने के लिए प्रूनिंग की जाती है। तो प्रूनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड और एबनॉर्मल पार्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स। जब जो अवांछनीय प्रूनिंग किया होता है, छटाई मीन्स अवांछित भागों को हटाना पौधे से, जिन्होंने प्रूनिंग या छटाई, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल पार्ट्स फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज प्रूनिंग। और आइडियल टाइम क्या है, व्हेन रेन ओवर एंड विंटर अप्रोचिंग। जब वर्षा पूर्ण रूप से खराब होती है तथा खत्म हो जाती है बरसात, तथा शीतकालीन मौसम प्रारंभ हो जाता है, विंटर इज अप्रोचिंग, जब विंटर प्रारंभ हो जाता है, ये टाइम बेस्ट रहता है छटाई के लिए। नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में ये समय होता है अंत सितंबर से मिडिल ऑफ अक्टूबर, अंतिम सितंबर से अक्टूबर के मध्य का महीना जो है, ये समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। मोस्ट वेराइटीज नीड मोस्ट ऑफ द वेराइटीज बियर
फ्लावर 60 to 65 days आफ्टर प्रूनिंग। ज़्यादातर जो प्रजातियां हमारी गुलाब की वो 60 to 65 days बाद प्रूनिंग के, जब पौधे में छटाई की जाती है तो उसके 50, 60 to 65 days बाद उनमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। तो द प्रूनिंग शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फ्लावर। अगर हमें फ्लावर जब चाहिए तो उसके अनुसार हम 60 to 65 days पहले प्रूनिंग कर देते हैं, तो हमें उस समय पे अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन गेट द फ्लावर फ्रॉम द प्लांट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि जब हमें ज़रूरत गुलाब के पौधों से ज़्यादा मात्रा फूलों की, तो उसके पहले विन अपनी आवश्यकता के 60 to 65 days पहले हम पौधे की छटाई कर सकते हैं, तो हमें अपनी आवश्यकता अनुसार पौधे से फूल प्राप्त हो जाएंगे। डिसबडिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल एस्पेक्ट, बिकॉज हाइब्रिड वेराइटी जो हमारी संकर प्रजातियां हैं वो ज़्यादातर फूल जो है गुच्छों में पैदा करते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द वेराइटीज हाइब्रिड वेराइटी प्रोड्यूस फ्लावरिंग क्लस्टर, उनके जो फूल हैं वो गुच्छों में आते हैं। इफ़ ऑल बर्ड्स आर, जो कलिकाएँ हैं अगर सभी गुच्छे में आई हुई कलिकाओं को रहने दिया जाता है, निश्चित रूप से हमें साइज ऑफ फ्लावर विल बी स्मॉल, क्योंकि अगर एक परिवार में 10 सदस्य हैं तो सभी में भोजन का वितरण होगा, तो किसी को कम ज़्यादा मिल सकता है। इसलिए टू, अगर आप लोग सुने होंगे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो अगर हम कम कलियां रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें लार्ज फ्लावर प्राप्त होगा। तो डिसबडिंग मील्स क्या है, इन दिस टू गेट द लार्ज साइज फ्लावर ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट कीपिंग द सेंटर बर्ड। सपोज करिए दिस इज द, ये आपका पौधा है और इसमें कई सी कलिकाएँ हैं गुच्छे में, तो केवल सेंटर बर्ड हम रखते हैं, बाकी सब बर्ड हटा देते हैं, जिससे पूरी खुराक हमारे एक बर्ड को मिलती है सेंटर को और हमें लार्ज साइज फ्लावर प्राप्त होता है। तो द रिमूवल ऑफ अदर बर्ड्स एक्सेप्ट कीटिंग सेंटर बर्ड इज नोन एज डिसबडिंग, रिमूवल ऑफ बडिंग इज नोन एज डिसबडिंग, और कलियों को हम हटा देते हैं तो हमें सुंदर लार्ज साइज का पुष्प प्राप्त होता है। इस टेक्निक को डिसबडिंग कहते हैं, जो कि एग्जीबिशन पर्पज के लिए, अगर हमें प्रदर्शनी में फूल रखना है तो निश्चित रूप से बड़ा फूल फ्लावर हमें चाहिए, और इसके लिए डिसबडिंग करना बहुत ही नितांत आवश्यक होता है पौधों में। नेक्स्ट, विंटरिंग, पौधे को स्वस्थ हेल्दी रखने के लिए तथा लार्ज और मोर नंबर ऑफ तथा बड़े और ज़्यादा पुष्प प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से विंटरिंग करने की आवश्यकता होती है। विंटरिंग के इन दिस, इस क्रिया में हम पानी को 10-15 दिन के लिए रोक लेते हैं, 10-15 दिन पौधे में सिंचाई नहीं करते, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि विंटरिंग में हम 10-15 दिन सिंचाई नहीं करते हैं पौधे में, जिससे वे विल हेल्डिंग द ऑफ वाटर इज डन फॉर 10 to 15 days फॉर पर्पज टू मेक द ब्रांचेज हेल्दी। इसमें तनों को स्वस्थ करने के लिए 10-15 दिन पहले उसमें पानी रोक लेते हैं तथा पौधे के चारों तरफ 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी खाई खोद लेते हैं और इसको 2-3 दिन तक खुला छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि धूप वगैरह लग जाती है और उसमें जो सपोज करिए दिस इज द प्लांट, तो इसके चारों तरफ हम पानी रोक देते हैं 10-15 दिन के लिए और इसके 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी खाई खोद लेते हैं पौधे के चारों तरफ और इसको पार करने वाली सभी जड़ों को काट देते हैं, तो और 2-3 दिन तक इसको खुला छोड़ देते हैं। इसके बाद जो निकली हुई मिट्टी रहती है उसमें सॉइल के साथ मैन्योर एक्स्ट्रा मिला करके पुनः भर देंगे, और 2-3 दिन तक जब खुला रहता है तो निश्चित रूप से पूर्णतया पत्तियाँ जो हैं पीली होकर के गिर जाती हैं ज़मीन पे और हमारा पौधा पूर्णतया रेस्ट कर लेता है, आराम कर लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज विंटरिंग, और इसके विंटरिंग करने के बाद जब पुनः आराम करने के बाद पुनः उसमें ओजस हो जाता है, पौधा अच्छा भरा भरा हो जाता है और पुनः अच्छे फूल प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है, बहुत से हमारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हमारे यहाँ फूल गुलाब का लगा है लेकिन वो फ्लावरिंग नहीं करता, तो आप नवंबर दिसंबर में इसमें विंटरिंग कीजिए, 100% आपका गुलाब अच्छा फूल देगा, बिल्कुल निश्चित है। तो
आप लोग बहुत अच्छे फूल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं मैन्योरिंग में एक चीज़ आपको बताने को भूल गया था कि अगर आप केले के छिलके छोटे छोटे काट करके और गुलाब को नीचे मिट्टी में दबा दें तो निश्चित रूप से उससे बहुत अच्छा पोटेशियम केले को प्राप्त होता है और आप में गुलाब के में बहुत अच्छे फ्लावर आएंगे, काफ़ी बड़े फ्लावर आएंगे। तो आप केले का छिलके का भी प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से जब आप विंटरिंग कर देंगे तो वो पूरा पौधा आपका रेस्ट कर लेगा और उसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर आप प्राप्त करेंगे। पेस्ट एंड डिजीजेज, कीड़े तथा रोग, व्हाइट आंट, ये क्या है? ये बहुत ही सीरियस पेस्ट है जो कि रूट सिस्टम को प्रभावित करता है एंड धीरे धीरे पौधा खत्म हो जाता है। इसके कंट्रोल के लिए 5% BHT शुड बी स्प्रे। नेक्स्ट है डेजी स्केल, सक द जूस ऑफ द प्लांट, ये पौधों से रस चूसती है और अंततः प्लांट जब ज़्यादा इसका अटैक होता है तो प्लांट मर जाता है। इसके कंट्रोल के लिए मेलाथियन का छिड़काव करना चाहिए। डिजीज डाई बैग, मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ द रोज, सो फॉर दिस इसमें दिस सिंटेज इज डाइंग एंड ब्लैकनिंग ऑफ प्रूनड सोर्स, इसमें जो छटाई की शाखाएँ होती हैं वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगती हैं और उसमें पूरा पौधा बेकार हो जाता है। इसके कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए प्रूनड कट सोर्स शुड बी पेंटेड बाई फंजिसाइडल पेंट, इसमें जो है शाखाओं के कट इंड पे जहाँ पे प्रूनिंग करते हैं आप उसके किसी फंजिसाइड पेंट से पेंट कर देना चाहिए। और इसका जो रोज का एक बहुत ही वो है डिसऑर्डर है बिंटनेक एक, इसमें क्या होता है जब आप मोस्टली द रोज इज ग्रोन फॉर कट फ्लावर, जैसे कि आप जानते हैं रोज का ज़्यादातर प्रोडक्शन जो है वो कट फ्लावर के लिए किया जाता है। और जब कट फ्लावर आप रखते हैं वेस में, वेस माने होता है बर्तन जिसमें आप कोई भी गुलाब का डंडे तोड़ करके अपने सजाते हैं, दिस इज़ द वेस। कभी कभी होता है क्या है कि ये सपोज करिए बेस में रखा है तो ये ऐसे झुक जाता है, फ्लावर झुक जाता है, इस कंडीशन को ये गर्दन से झुक जाते हैं तो इसको झुक जाता है तो इसको हम बेंटनेक कहते हैं, दिस इज़ द डिसऑर्डर ऑफ द रोज फ्लावर। तो इसमें क्या करते हैं पल्सिंग सोल्यूशन सुक्रोज वगैरह ऐड कर देते हैं तो इससे हमारा जो बिंटनेक डिसऑर्डर है ये नहीं होता है। ये बहुत ही पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ द